महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक है। विपक्षी दल महाविकास अघाड़ी में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर जद्दोजहद जारी है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो महाविकास अघाड़ी में कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होने की संभावना है। यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी बनाम कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि मुंबई की करीब 5 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हो सकते हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो इनके नाम है मेमसोरवा, बायकाला, वडाला, घाट कोपर वेस्ट, बांद्रे ईस्ट और मुलुंड शामिल हैं। मुंबई की 5 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने पहले ही उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी शिवसेना पर सीटें छोड़ने का दबाव बना रही है। बात नहीं बनी तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी फ्रेंडली फाइट के नाम पर यहां अपने कैंडिडेट भी खड़े कर सकती है। इसके अलावा विदर्भ इलाके की रामटेक और मिराज जैसी सीट और मराठवाड़ा की 2 सीटों पर शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस में भी फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकती है। खबरें निकल कर सामने आ रही है कि जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारा हुआ है, इससे राहुल गांधी बेहद नाराज हैं। जितनी सीटें कांग्रेस को मिली है, राहुल गांधी उससे असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर से खुले तौर पर उद्धव ठाकरे से बातचीत की बात कही है। और अगर बात नहीं बनती है तो फिर शिवसेना यूबीटी बनाम कांग्रेस का मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।